जैसे बाकी सब लड़कियों के कुछ ख्वाब होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मेरे भी कुछ ख्वाब थे। लाइक नॉर्मली हर बंदा चाहते हैं कि उनके जितने भी ड्रीम्स वो अचीव हो जाए, मैं भी इसी तरह चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो इतनी फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि मुझे आगे जो हायर एजुकेशन है, हायर स्टडीज़ है मेरी, वो मुझ पर कंटिन्यू रख पाते। यही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चियाँ हैं ना, बच्चे तो अपनी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चियों की तालीम में ये कोशिश थी कि मैं मुकम्मल करवा लूँ जैसे भी हो सके। मुझसे तालीम के दौरान कुछ ऐसे भी मसाइल आते रहेगी, उस वक्त मेरा खर्चा पानी पूरा नहीं हो रहा था, तो इनको इनका अपना भी शौक था, कुछ मैंने भी आइडिया दे दिया कि चलो अड़ोस पड़ोस के कुछ दो चार बच्चे इकट्ठी करो, उनको ट्यूशन पढ़ाओ। मैं अपनी बहन की नहीं, हर लड़की की पढ़ाई को बहुत सपोर्ट करता हूँ। लड़कियाँ भी इंसान ही होती है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। तो अगर हम अपनी औरतों को तालीम देंगे, उन्हें पढ़ा लिखा बनाएंगे, तभी हम तरक्की करेंगे। एहसास स्कॉलरशिप जो कि फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, मैं उनकी सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ और मैं उसी के बदौलत आज अपनी स्टडीज़ पेशावर नमल यूनिवर्सिटी से मुकम्मल कर रही हूँ। आप भी एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठाएँ और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ें। पाकिस्तान में ऐसे लाखों लड़कियां और लड़के हैं जिनकी काबिलियत हालात की नज़र हो जाती है। अगर इन नौजवानों को तालीम के मौके ना मिले तो पाकिस्तान में बेरोजगारी में इजाफा होगा। इन मुनासिब मौके ना मिलने की वजह से लाखों काबिल और मुस्तहिक तलबा इन यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल नहीं कर पाते। जिनके घर में वसाइल नहीं है आला तालीम लेने के लिए, तो उनके लिए स्कॉलरशिप, और ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। मुल्क भर की 125 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में हर साल 50,000 मुस्तहिक तलबा को 4 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में स्कॉलरशिप दी जाएंगी। साल 2019-2020 के दौरान 4.82 अरब रुपए की 50,762 स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं। दरख्वास्तें पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जमा कराई जा सकती हैं। इस प्रोग्राम से कम आमदन वाले खानदानों के जहीन और काबिल नौजवानों को गुर्बत से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे मुल्क की माशी सूरत हाल में भी बेहतरी आएगी।